आप ही रख लो, ठीक है, ये सोच लो कि बस आपकी बेटी ने अपनी पहली कमाई आपके हाथ में रख दिया है, बस मैं ये चाहती हूँ कि जिंदगी और कुछ भी नहीं। आंटी जी कैसे हो आप? ठीक है जी, एकदम एकदम। और क्या कर रहे हो? चाय बेच रहे हैं। चाय बेच रहे हो? आप अकेले करते हो काम? हाँ, अकेले। बिल्कुल अकेले? अकेले। अच्छा यार, ये बताओ पश्चिम बिहार में कब से कर रहे हो चाय का काम? चार पाँच साल हो गए। चार पाँच साल से इसी जगह पे काम कर रहे हो? हाँ, अरे वाह, क्या बात है। आपकी उम्र कितनी हो गई? 55 से। 55? हाँ, 55 उम्र हो गई है। हाँ, और मतलब अभी भी आप काम कर रहे हो इस उम्र में भी? हाँ, इसी उम्र में तो करना है ने, पेट पालना सीधे आता है आदमी से, तो ये भगवान के घरे से काम से करना है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ये बताओ आपके परिवार में कौन कौन है? हमारे परिवार में है एक बालक है, एक बहू है। आपका जो एक बेटा है और आपकी बहू है, तो वो क्या करते हैं? वो जैसा है कहीं काम करने, नौकरी करने। अच्छा, गाड़ी चलाते। बेटा गाड़ी चलाता है, मतलब गाड़ी वाड़ी चलाते है ना। हाँ। अच्छा, तो मतलब घर का गुजारा हो जाता है आपके? गुजारा क्या होगा, मेहनत करने जाता, हम खुद काम करने जाते, इसमें क्या कमाई? कुछ है कमाई? कुछ नहीं है ना। देखो काम के लिए तो ये धीरे से पड़ा। आपके दिन की कितनी कमाई हो जाती होगी वहाँ? यहाँ पे आपकी चाय की है, यहाँ पे कितने? 50-60 रुपया बन जाता है दिन का। 50-60 रुपए और कितना बनेगा? बस 50-60 रुपए। गुजारा तो फिर बहुत मुश्किल होता होगा ना आपका। 50-60 रुपए अगर दिन का बनता है तो, और खर्चे भी होते हैं आज के टाइम में, कितने ज्यादा खर्चे होते हैं। और आपका बेटा कितना कमा लेता है? वो अपने परिवार के लिए, मतलब माँ हो आप, उनकी मम्मी को नहीं देखेगा? 500-600 रुपए देता है महीने के। अच्छा, और क्या बहुत हिम्मत है आप में तो, फिर भी मतलब 500-600 रुपए आपका बेटा देता है और मतलब 50-60 रुपए आप दिन का कमाते हो। और मतलब कब सुबह कितने बजे आते हो आप? सुबह हमें 7 बजे आ जाते हैं, जिस तरह से वो जुग्गी जुग्गी है। अच्छा, जुग्गी में रहते हो वहाँ सामने? अच्छा, तो ये लगाओ सुबह कितने बजे आ जाते हो आप? यहाँ 7 बजे आ जाते। 7 बजे? और जाते कब हो घर पे? 6-7 बजे जाते हैं। 6-7 बजे, मतलब पूरे 12 घंटे रहते हो आप? 6-7 बजे से लेकर सुबह के शाम के 6-7 बजे तक आप चाय का ही काम करते हो? बहुत बंद हो जाते हैं ना चाय का, बंद हो जाती है क्योंकि ज्यादा लोग मतलब दिन में ही लेते हैं चाय वाई ना लेते। दिन में रात की थोड़ी बिकेगा, रात में नहीं बिकता। बहुत अच्छा लगा मेरे को आपको देख के। देखो आपकी 55 साल की उम्र भी हो गई है, फिर भी आप काम करना बिल्कुल नहीं छोड़ रहे हो। आपको पता है ना आंटी जी, आज के टाइम में क्या होता है कि हमारी जो उम्र वाले, हमारे जो एज वाले लोग होते हैं, अगर वो अपनी जिंदगी में ना क्या होता है, हिम्मत हार जाते हैं और कुछ लोग सुसाइड कर लेते हैं कि मतलब जीना नहीं है, जीने की सारी उम्मीदें खत्म हो जाती है उनकी। तो मेरे को ये लगता है कि उनको ना आप लोगों को देख के सीखना चाहिए कि आपकी इतनी उम्र हो गई है फिर भी आप लोग आज की डेट में भी काम कर रहे हो, इतने 55 साल के होने के बाद भी है ना, कमाना नहीं छोड़ सकता ना इंसान, पेट तो पालना ही है। तो आंटी जी मेरे को आपको देख के ना बहुत अच्छा लगा। आप ये बताओ कि ये पश्चिम बिहार का कौन सा एड्रेस है, क्योंकि यहाँ से मैं गुजर रही थी ना, मैंने देखा अमीरा बिहार है ये पश्चिम बिहार है। अच्छा, पूरा ना एड्रेस मेरे को बता दो। पता है आपको मैं बता दूं, मैंने ना कैमरा लगा रखा है। हम लोग ना जो गरीब लोग होते हैं ना, जो मतलब मेहनत करके कमाते हैं, उन लोगों की बहुत ज्यादा मदद करते हैं। और वहाँ देखो मैंने सामने कैमरा भी लगा रखा है, तो मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे मेरी जो ऑडियंस है वो जरूर आए आंटी जी के यहाँ पे विजिट करे, एक बार जरूर आए। और मतलब बहुत ही अच्छी चाय है इनकी, देखो इतने ज्यादा सफाई से एकदम हर चीज रख रखी है इन्होंने। और मतलब दिन के 50-60 रुपए कमाते हैं, तो मतलब आज के टाइम में 50-60 रुपए आपको पता है कि कितना ज्यादा मुश्किल हो रहा है 50-60 रुपए भी कमाना, और फिर भी इन्होंने हिम्मत बिल्कुल नहीं छोड़ी है, ये चीज गौर करना आप। तो मैं ये चाहती हूँ कि मैं आपकी थोड़ी बहुत मदद कर पाऊँ कि जितना मेरे बस में है, क्योंकि अभी मैं इतना भी नहीं कमाती हूँ, लेकिन जितना मेरे हाथ में उतना करूंगी आपके लिए। और मैं पश्चिम बिहार में, ये एड्रेस इनका पश्चिम बिहार में कहाँ पे? पश्चिम बिहार अमिका बिहार, ये 13 है, 14 है, संगम पाट है, यही सब है। संगम पाट तो बिल्कुल आना यहाँ पे, और आंटी जी के हाथ की चाय एक बार जरूर पी के जाना। और बहुत अच्छा लगा मेरे को, अभी इस उम्र में भी काम कर रहा है। और मतलब हम लोग की एज में हम लोग क्या करते हैं, अभी बना रहे हो? चलो ठीक है, आप बना दो मेरे लिए चाय बना दो, मैं जरूर पी के जाऊंगी आंटी जी के हाथ की चाय। आप चाय बना दो आंटी जी, मैं उतनी आपकी मदद करूंगी, क्योंकि आप जैसे 50-60 रुपए महीने का कमाते हो ना, तो आप एक काम करो, आप ये रख लो, ठीक है? ओ, नहीं
अरे रख लो कोई बात नहीं, आपकी बेटी से मानो कोई दिक्कत नहीं है, आप ही रख लो ठीक है। ये सोच लो कि बस आपकी बेटी ने अपनी पहली कमाई आपके हाथ में ला के रख दिया है। बस मैं ये चाहती हूँ कि आपको देख के और भी लोग मोटिवेट का मतलब समझते हो कि मतलब और लोगों को भी हिम्मत आए और वो भी मतलब अपनी जिंदगी में हिम्मत ना रहे। और अभी मैं आंटी जी के हाथ की चाय पीने वाली हूँ, यहाँ पे वेट करूंगी और जितना बना मेरे से मैंने इनके लिए किया। और आप भी जरूर एक बार पश्चिम विहार में, इन्होंने आपको एड्रेस बता दिया, यहाँ पे आके विजिट जरूर करना है, एक बार आना और आंटी जी के हाथ की चाय जरूर पी के जाना। मेरे को तो बहुत अच्छा लगा, यहाँ पे खड़ा होना इतना सुकून है, क्योंकि इस एज में भी अगर काम करें ना, और हम जैसे लोगों हम अपनी उम्र में हम लोग इतनी यंग जनरेशन में होने के बावजूद भी हम लोग हिम्मत हार जाते हैं कि हाँ जिंदगी में सब कुछ खत्म हो गया ही हो गया। अगर ऐसा लगे ना कभी जिंदगी में खत्म हो गया, तो एक बार इनका चेहरा जरूर देख लेना जो इस एज में भी काम करके अपना पेट पाल रहे हैं ठीक है। तो गाइस वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और मैंने एड्रेस इनका दिया, जरूर आना ठीक है। बाकी लव यू और कीप सपोर्टिंग ऑलवेज।